नमस्कार मेरे कन्या राशि वर्गो राशि के मित्रों, स्वागत है आपका अनिल शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीम में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आपकी राशि और फरवरी मंथ ऑफ फरवरी, ये महीना आपके लिए कैसा होगा। सबसे पहले तो प्रार्थना है परमपिता परमेश्वर के, ये महीना आपके लिए मंगलमय हो। और मैं बात करना चाहूँगा कि आपकी हेल्थ के बारे में, तो माइग्रेन, जिन लोगों को भी माइग्रेन की शिकायत है तो वो खास तौर पर सावधान रहें। आपको इस बार माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, आपको किडनी रीजन में पेन हो सकता है, आपको यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। एसिड रिफ्लक्स जो है वो आपको परेशान कर सकता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती हैं और आप टायर्ड फील कर सकते हैं। थोड़ा आपको सावधान रहना होगा तो अपनी हेल्थ के बारे में। जितना आप डाइट अच्छी लेंगे, जितना आप समय से काम करेंगे, समय से सोएंगे, और थोड़ा जिम और एक्सरसाइज का भी आपको लाभ लेना होगा, नहीं तो आप पेट में काफ़ी अनकम्फर्टेबलनेस जो है वो महसूस करेंगे। थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो ये महीना निश्चित तौर पे कुछ बहुत अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका आप पूरा आनंद जो है वो ले पाएंगे। तो सब उसके बाद आपकी बात आ जाती है परिवार में, जुपिटर का बैठे होना एक्सटेंडेड फैमिली, तो पारिवारिक तौर पर चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जो जुपिटर आपके परिवार में बैठा हुआ है वो शत्रु राशिगत होने के साथ साथ उसकी जो परिवर्तन उसके अंदर जो आ रहा है वो दिखा रहा है कि परिवार में किसी तरह की अशुभ घटनाएं, चोरी आदि की घटनाओं का योग बना हुआ है। तो किसी तरह से सोने का नुकसान हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, पिता की सेहत के ऊपर इसका बुरा असर हो सकता है। परिवार में और भी एक्सटेंडेड फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो खुशी और गमी, जैसे हम कहते हैं ना, हम कुछ करने जा रहे थे अच्छा हुआ लेकिन दूसरी तरफ से बुरी खबर आई, तो इस तरह का एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ बनाव जो है वो बना हुआ है। तो इसका उपाय मैं आपको आखिर में दूंगा कि आखिर क्या करें ताकि ऐसी स्थितियाँ ना हो। अगर मैं आपके भाई बहनों की बात करता हूँ तो निश्चित तौर पर एक ईगो, एक अहंकार उनके अंदर रहेगा, वो अच्छा परफॉर्म करने की ओर है, वो उनको लगता है कि बहुत अच्छा कर पाएंगे और मुझे भी लगता है कि जी हाँ वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जब आप अननेसेसरी ईगो कर लेते हैं उन्हीं बहन भाइयों के साथ, उन्हीं दोस्तों के साथ जो कभी आपके साथ थे, जो आपके सहयोगी थे, जो कभी आपको सपोर्ट करते थे, तब निश्चित तौर पे हर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता आपके लिए हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगा हाथी की चाल चलते रहिए, बाकी सब ठीक रहेगा। आप अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, इन छोटी छोटी बातों को अपने करके में ध्यान देकर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें तो आपके लिए अच्छी बात होगी। वहीं माता पिता की अगर बात करूं, जैसे मैंने कहा पिता की हेल्थ के ऊपर इसका असर हो सकता है, वहीं माता के लिए ये चिंता रहेगी अगर पिता की हेल्थ है। लेकिन पर्सनली अगर हम देखें माता के लिए, तो माता के लिए एक अच्छा समय हो सकता है, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, अच्छा कुछ और चीज़ें उनके साथ पर्सनली हो सकती हैं जिनको वो फुली एंजॉय करेंगे और जिसका लाभ उनको मिलेगा। संतान की बात करूँ, संतान प्राप्ति का समय है, संतान के साथ अच्छे संबंधों का समय है, संतान के साथ टाइम स्पेंड करने का समय है। लेकिन साथ ही साथ सूर्य का बदलाव जो है वो दिखा रहा है कि आपकी काम की व्यवस्था की वजह से आप उनसे थोड़ा कम टाइम बताना आपको पड़ सकता है, जबकि आप चाहते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम दिया जाए। तो संतान प्राप्ति जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ संतान हो, फैमिली प्लानिंग जो कर रहे हैं, तो एक उत्तम मंथ, एक उत्तम समय, इसमें आप आगे बढ़े तो आपको कामयाबी मिलती हुई कहीं ना कहीं मुझे दिखाई पड़ती हुई बनती हुई दिख रही है। जहाँ तक आपके गृह जीवन की बात है तो बिल्कुल आपके सामने जुपिटर की बात मैंने के लिए सेकंड हाउस में, तो ये दिखा रहा है कि परिवार में शादी या समागम, अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का जो अटैचमेंट है उसके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग, उसमें एक बेहतरी का समय है और इसमें आप लाभ ले पाएंगे। शादी करना चाहते हैं तो उत्तम समय, शादी गृह जीवन में एक अच्छा समय और आपके लिए एक अच्छी स्थितियाँ जो है वो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख जो है वो पा रहा हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रेम संबंधों के बारे में, आपके जो प्रेम संबंध है वो किस है, तो मैं कहूँगा कि इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है आपके मन में, नहीं आप तो बिल्कुल तैयार हैं लेकिन सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा जैसा आप सोच रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उन्हें डिसाइड करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, बात बनती चले, आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, आप अपने आप क्या सोचते हैं वो बता सकते हैं, उसमें आप देरी ना करें, लेकिन आपको सामने से जो आंसर है उसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि स्थितियाँ आपके लिए बेहतर इस समय में रिलेशनशिप को लेके बनी है। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें आपको खास तौर पर ध्यान देना होगा, या कई जगह पर आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो कुल मिला के एक अच्छी स्थिति फिलहाल इन सब चीज़ों में। अब बात आ जाए आपके घर के बारे में, तो आपके घर में देखूंगा हूँ शनि आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। शनि का शुभ गति होना, भाव से संबंधित होना, एक अपने आप में अच्छी स्थिति दिखा रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि प्रॉपर्टी के माध्यम से, प्रॉपर्टी को लेकर आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो एक अच्छी प्लानिंग आपके लिए हो सकती है। मुझे यहाँ लगता है कि प्रॉपर्टी के माध्यम से आपको अच्छी खासी इनकम, जैसे कहते हैं बाय टू लेट,
जैसे रेंटिंग प्रॉपर्टी जो है इस समय आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्रॉपर्टी को सेल करना भी आपका बहुत देर से रुके हुए हैं तो ये समय आपकी प्रॉपर्टी को सेल करने में बहुत लाभ दे सकता है, जिसमें एक लमसम मनी आपके अकाउंट में आ सकती है। तो कुल मिला के ये एक अच्छा समय है। और अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें थोड़े से विलम्ब, या ये कहें कि घर तो आपको मिल जाएगा लेकिन कुछ कमियाँ, कुछ लेट डाउन, कुछ जे हम जे चाहते थे वो चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर रहेंगी। लेकिन वहीं गाड़ी के मामले में इस बार आप लकी रहने वाले हैं। गाड़ी का अगर आप बदलना चाहते हैं, गाड़ी में किसी की कॉम्प्लिकेशन है तो वो आपकी हल होती दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के एक अच्छी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अब ये सब चीज़ें पाइए तो भाई पैसा चाहिए, आपको पैसे मिलेंगे कहाँ से? आपकी मदर आपको हेल्प कर सकती है, आपका काम आपको हेल्प कर सकता है, आप बिजनेस के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं, आपको लोन मिल सकता है। तो होगा क्या, यहाँ हमारे यहाँ तो आप अप्लाई करिए, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आपको गाड़ी मिल जाती है, कोई बड़ा काम नहीं है, बस आपको एक उसकी इंस्टॉलमेंट देनी होती है हर महीने। लेकिन कुछ जगह पे भाई बड़ा मुश्किल होता है, लोन मिलता नहीं है जल्दी, और माँ बाप बहन भाई भी कई बार मना करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे हाँ, आपको माता की तरफ से अगर आप अच्छे संबंध बना के रखे हुए हैं तो उनकी तरफ से आपको ये बेनिफिट हो सकता है। आप उनके नाम से भी गाड़ी ले सकते हैं, उनके आशीर्वाद से गाड़ी लेने जाइए तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अब मैं बात करूँ कि आप इस महीने में फाइनेंशियली कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए जॉब का होना, काम धंधे का होना बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप वर्किंग हैंड हैं तो निश्चित तौर पे आपको बात आपकी बन जाएगी। जब मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके 10th हाउस में जब मैं देखता हूँ तो जेमिनी राशि है, आप बुध इस समय आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि काम की व्यस्तता है आपके ऊपर, ऑलरेडी पेंडिंग वर्क जो है वो पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर भी आ रहा है। तो ये स्थितियाँ जो हैं मिल मिला के आपको प्रेशराइज कर रही हैं, एक आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो बना हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि इस समय में काम के ऊपर फोकस करें, लेकिन साथ में रेस्ट जरूर लेते चले जाएँ, ये बहुत जरूरी बात होगी। नई जॉब के योग अभी फिलहाल में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको एक जॉब इंटरव्यू में कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आपको जॉब जो है वो मिल जाएगी। लेकिन आज की इस महीने में की शुरुआत में अगर आपका कुछ ऐसा है तो उसमें शायद आपको लेट डाउन फील हो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हिम्मत मत हारिए, कुछ नया है, कुछ अच्छा है जो आपके लिए बना है, तो आप उसके लिए तैयार हैं। जो लोग पहले से ही बिजनेस में हैं उनको कहूँगा कि कुछ प्रेशर, जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा है, उनको सब उसको आप बैलेंस करने में लगे हुए हैं तो ये एक चीज़ रहेगी, लेकिन साथ ही साथ आपका काम जो है वो ठीक चलता रहेगा, ये भी उम्मीद साथ में है। आपको नए क्लाइंट जो है वो मिलते रहेंगे और उससे आपको लाभ होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो निश्चित तौर पे उसमें भी आपको एक अच्छी आपका बैलेंस जो है बना रहेगा। जहाँ तक बात है जो लोग नौकरी में हैं, मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे एक बहुत प्रेशर है इस समय, और इस प्रेशर के चलते आप कहीं अपनी हेल्थ को ख़राब ना करें, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, कुछ ऑब्स्टिकल भी रहेंगे, कुछ लोगों को ऐसा भी होगा कि भाई शायद अब मैं और ज़्यादा इसमें कोप नहीं कर पाऊंगा तो मुझे नौकरी छोड़ के कहीं और चला जाना चाहिए, नौकरी बदलने के विचार भी आप लोगों के दिमाग में आ सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अभी ऐसा कुछ ना करें, जहाँ है वहाँ बैठे रहें तो उसमें आपको लाभ होगा, उससे ही आपका फ़ायदा है, नहीं तो आप कहीं मुश्किल में ना आ जाएं, क्योंकि नियर फ्यूचर में अभी आपको जॉब मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब कि धन के मामले में आपको सहयोग मिलेगा दूसरों की ओर से, या आपके जो पास्ट में आपके कुछ पैसे रुके हैं वो पैसे आ जाएंगे, जिसकी वजह से आप इस समय को मैनेज करेंगे। एक्स्ट्रा बहुत कुछ इस समय होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक बात है यात्राओं की, लियो के कारक है आपके 12th हाउस में, लियो बैठा है क्योंकि लियो का ही सबसे बड़ा रोल है यात्राओं का, तो ये इस मंथ में यात्राएँ मजबूरी वश करनी पड़ेंगी। हो सकता है आप नहीं चाहते हैं और आप यही चाहते हैं कि यात्राएं किसी तरह से कैंसिल हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यात्राओं का सिलसिला बनेगा लेकिन आप किसी ना किसी तरह से उनको पोस्टपोन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही कहूँगा कि यह मंथ स्ट्रेस से भरा हुआ, बहुत सारा काम, उसकी बर्डन और बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके ऊपर आ गई हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ असमंजस की स्थिति में रहेंगे। मैं यही कहूँगा कि डोंट वरी, आप अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे हैं आप, और आप अपनी समझदारी के साथ इस सब चीज़ को, इस सिचुएशन को, इस महीने को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर कुछ मुश्किलात ऐसी चल रही हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, तो एक उपाय आपको भी देना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि घर में जैसे खुशी होती है, साथ ही कोई ना कोई झगड़ा, बुरी खबर भी आ जाती है, तो इसका सिंपल सा एक उपाय है, अगर हो सकता है तो इस समय के दौरान आप ग्रेवयार्ड में विजिट करें, शमशान घाट में जाएं
अगर ग्रेव यार्ड में जाएं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आप पेड़ पौधा लगा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे स्थान में जहाँ पे वाटर का प्रबंध है तो वहाँ जाके हाथ मुँह धोएं, तो इससे आपकी ये जो अशुभ चीज़ें हैं, क्योंकि ग्रेव यार्ड का संबंध अशुभ चीज़ों के साथ है, वहाँ पे कुछ ना कुछ अगर आप करेंगे तो ये बुरी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वो कट हो जाएंगी, तो आपको लाभ होगा। ये उपाय आप करें। साथ ही साथ कहूँगा कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको पर्याप्त होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं हाजिर हूँगा आपके सामने अपनी अगली वीडियो और आपकी राशि लेकर, मार्च महीने का राशिफल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।